8 सितंबर ये वो तारीख है जिस दिन साल 2019 में देश ने एक वीर सपूत खो दिया। भारत माँ ने अपना वो लाल खो दिया जिसने अपने जान की बाजी लगाकर अपने साथी जवानों की जान बचाई, लेकिन खुद वे अमर बलिदानी हो गए। वो वीर जाबाज कोई और नहीं बल्कि भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव सोलंकी थे। आपको बता दें, अफ्रीका के कांगो में साल 2019 में वीर जवान अपने साथियों के साथ लेक में सवारी कर रहे थे, तब उनके साथी अचानक से गायब हो गए, जिसके बाद उन्हें वापस लाने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव सोलंकी कीबू झील के अंदर कूद गए। आपको बता दें, जिस झील में गौरव कूदे थे उसका पानी बेहद जहरीला था, लेकिन बिना किसी संकोच के वे अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी लाइफ जैकेट उतार झील में कूद पड़े। वीर जवान के साथी जवान तो दूसरे किनारे पर मिल गए, लेकिन उन्हें ढूंढने गए जवान गौरव हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह अमर बलिदानी हो गए। आपको बता दें, लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव सोलंकी मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले थे। उन्हें मध्य अफ्रीकी देश में संयुक्त राष्ट्र के अभियान में एक सैन्य पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात किया गया था, जहां का काम लगभग खत्म हो गया था। वे अगले कुछ ही दिनों में भारत में अपने रेजिमेंट में शामिल होने वाले थे, लेकिन तभी ये हादसा हो गया और वीर जवान बलिदानी हो गए। देश उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए हमेशा ऋणी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।